दोस्तों उत्तराखंड को देवताओं की भूमि यानी कि देवभूमि के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कण कण में भगवान का वास है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही मौजूद है। बद्रीनाथ धाम में मान्यता है कि जीवन मृत्यु के फेर से मुक्ति पाने के लिए जीवन काल में एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित इस धाम में जाने से श्रद्धालुओं को मन से तृप्ति मिलती है। दोस्तों ये वही तीर्थ है जहां भगवान विष्णु आराम करते हैं। इसके अलावा भोजन करने के लिए भगवान विष्णु पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। कहते हैं कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जिसमें कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता। दोस्तों भगवान विष्णु के इन दो तीर्थों में जब भी कोई अशुभ कार्य या फिर अपशगुन हुआ है तो वो संकेत माना जाता है कि इस दुनिया में कुछ तो अनहोनी होने वाली है। यानी कि प्राचीन मंदिर हमें कलयुग के अंत के संकेत देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है। सनातन धर्म और वेदों में चार युगों की मान्यता है जिसके अनुसार सतयुग में स्वयं देवता किन्नर और गंधर्व धरती पर निवास करते थे। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ, फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वर्तमान में चल रहे कलयुग का कालखंड सबसे छोटा कहा गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। उनमें जब जब कोई घटना घटित हुई है तब तब दुनिया में कोई ना कोई बड़ी आपदा या फिर महामारी आई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें समय समय पर कलयुग के अंत के संकेत मिलते आए हैं। ये दोनों मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं और इनमें एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और वो मंदिर सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। दूसरा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु भोजन करते हैं। इन दोनों मंदिरों को ही धरती का वैकुंठ कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का आठवां वैकुंठ कहा गया है जहाँ भगवान विष्णु छह माह निद्रा में रहते हैं और छह माह जागते हैं। यहाँ नर और नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी शंकराचार्य के वंशज हैं जिन्हें रावल कहा जाता है। जब तक पुजारी रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। स्त्रियों का स्पर्श करना भी इनके लिए पाप माना जाता है। दोस्तों एक वैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा भगवान विष्णु का वैकुंठ है बद्रीनाथ धाम जो धरती पर मौजूद है। मान्यता ये भी है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांगा था। दोस्तों मंदिर तीन भागों में विभाजित है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सतयुग तक यहाँ हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन करने को मिलते थे। द्वापर में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने यह तय किया था कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। दोस्तों चार धाम यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। धाम दो पर्वतों के बीच बसा है, इन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीपक को देवता जला के रखते हैं। यहाँ सरस्वती नदी के उद्गम पर स्थित सरस्वती मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। ये मंदिर बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा गांव में स्थित है। दोस्तों जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का संबंध भी बद्रीनाथ से माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक बाजू काफी पतली है। कलयुग के अंत में जिस दिन ये बाजू टूटकर गिर जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थल पर नहीं होंगे। कहते हैं कि बद्रीनाथ के दर्शन नए स्थान पर होंगे जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो आए बद्री वो नाए उदरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर से यानी कि गर्भ से नहीं आना पड़ता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए।
दोस्तों कलयुग के अंत के संकेत देने वाला भगवान विष्णु का अगला मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय और रहस्यों से भरा मंदिर है। इस मंदिर की ये खासियत देखने को मिलती है कि ये मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देता है। जब भी कभी इस मंदिर में कुछ अशुभ हुआ है तब तब दुनिया में भिन्न भिन्न जगहों पर कई बड़े संकेत और आपदाएं देखने को मिली हैं। इस मंदिर में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के लोग भी सम्मिलित हैं। दोस्तों ये मंदिर बहुत विशाल है जो लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। ये कलिंग राज शैली में बना हुआ है जिसे उस समय के शिल्पकारों ने अद्भुत संरचना दी है। दोस्तों यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा 120 अन्य मंदिर व पूजा स्थल भी हैं। ये सारे मंदिर एक बाहरी दीवार के अंदर हैं, जो लगभग 20 फुट ऊंची है। इस दीवार को मेघनंदा पाचेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुख्य मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चक्र स्थापित है जो पुरी में किसी भी स्थल से देखने पर यह आपके मुख की ओर मुख किए प्रतीत होता है। इसे नील चक्र कहते हैं जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। इस चक्र के अंदर 8 आरे हैं जिन्हें 9 गुंज रस कहते हैं। इस चक्र के ऊपर ध्वज लगा होता है जिसे पतित पावन कहते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की इस पताका से जुड़ी एक रहस्यमय बात यह है कि ये हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जिस दिशा में हवा चलती है उसकी उल्टी दिशा में ये झंडा लहराता है। करीब 20 फीट का तिकोने आकार का ये झंडा जिसे बदलने का जिम्मा एक परिवार पर है। झंडे को बदलने के लिए एक पुजारी 45 मंजिला शिखर पर जंजीरों के सहारे चढ़ता है। उससे पहले वह नीचे अग्नि जलाता है और धीरे धीरे गुंबद तक पहुंचकर पुराने ध्वज को हटाकर नया ध्वज लगा देता है। चाहे जैसा भी मौसम हो हर शाम ध्वज को बदलने की परंपरा 800 सालों से चली आ रही है। कहा जाता है कि अगर झंडा रोज ना बदला जाए तो ये मंदिर 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों एक बार जब इस झंडे में आग लग गई तो देश के कई लोग इसे एक बड़ा अपशकुन बता रहे थे। कई लोगों ने इसे कोरोना वायरस से भी जोड़ा था। दोस्तों इस आग लगने वाली घटना ने सबको हिला कर रख दिया और चारों तरफ कोहराम ही कोहराम मच गया। हजारों लोग मंदिर के आसपास जमा हो गए। लोग इसे आने वाले बड़े अनिष्ट का संकेत मान रहे थे क्योंकि इससे एक दिन पहले ही ध्वज में गांठ पड़ गई थी जो कि आम तौर पर कभी नहीं होता है। दोस्तों श्री मंदिर चुनरा सेवक निजोग के अध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि महादीप की लौ इधर उधर जा रही थी, इसी बीच ध्वज और लौ के संपर्क में आने से ये घटना घटित हुई। दोस्तों यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि आग मंदिर के शिखर पर लगे मुख्य ध्वज पर नहीं पहुँच पाई थी। इस मुख्य ध्वज को स्थानीय बोलचाल की भाषा में पतित पावन बाना कहा जाता है। आग दरअसल उसके नीचे की तरफ फहराने वाले पताका में लगी थी जिसे मानसिक बाना बोलते हैं। ये वो ध्वज होता है जो श्रद्धालुओं की तरफ से भेंट किया जाता है। तो मित्रों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।